को मजबूती देने के लिए अमेरिका देगा युद्धपोत। हमास का जवाब, अमेरिका के युद्धपोत से नहीं डरते हम। हमास जो है वो एक टेररिस्ट कहलाने के बिल्कुल हकदार है। आप क्या कहेंगे? अर्जुन, मैं आपसे 100% इत्तफाक करता हूं कि हमास एक दहशतगर्द तंजीम है और हमास के पीछे ईरान की फंडिंग है। और जो हमास है, इट्स जस्ट लाइक लश्कर ए तैयबा, और जो लश्कर ए तैयबा जो है वो क्योंकि इंडिया के हवाले से कश्मीर में एक वो कहते हैं कि ये दहशतगर्द जमात है। आज कुछ लोग पाकिस्तान में ये कह रहे हैं कि हमास ने भी इसराइल पे हमला करके फलस्तीनियों के लिए वैसे ही मसाइल पैदा किए हैं जैसे 9/11 के बाद मुसलमानों के लिए पैदा हुए। और मैंने कहीं लिख दिया कि जी मैं इसराइल को सपोर्ट कर रही हूँ, क्योंकि जिस किस्म की वीडियोस आ रही हैं कि छोटे छोटे बच्चों को अल्लाह अकबर करके उनकी गर्दनें काटी जा रही हैं, उस किस्म की वीडियोस भी मौजूद हैं सोशल मीडिया पे देखकर, तो वो देखकर तो जो थोड़ी बहुत हमदर्दी अगर थी कि अभी तक ये मामला यहाँ तक पहुंचा कि इसराइल के 600 से ज्यादा लोग इसमें कत्ल हो चुके हैं, मारे जा चुके हैं, और जो UNSC उसकी तरफ से एक इजलास बुलाया गया इसके ऊपर की बात है। इंडिया की ईरान से भी बड़ी अच्छी दोस्ती है और ईरान हमास को सपोर्ट करता है, बट इंडिया विल स्टे साइलेंट ऑन दैट। लेकिन वो जारी बात है, वो क्योंकि अरब वर्ल्ड के इशू है तो इंडिया डजंट पे मच अटेंशन टू इट, लेकिन इंडिया स्टैंड्स विद इजराइल, ये चल रहा है। जो लोग ये कर रहे हैं, जो सपोर्ट कर रहे हैं, जो कर रहे थे पूरी आलम इस्लाम इस थियोलॉजी को, नासिर खान, कादर खान जैसे बलात्कारी मुसलमान के लिए किसी ने कहा कि ये बेशरम है, बल्कि मुसलमान सर धस करके उसके वलीमा का बिरयानी खाने के लिए गए थे। मेरे पास काफी वीडियोस और प्रूफ है। इतना बड़ा हमला अचानक होना, और क्या इसके पीछे कोई प्लानिंग हो सकती है, या ये उन्होंने फलस्तीनियों के हकूक के लिए अचानक से उनको ये याद आया कि वो ये हमला करेंगे, और इसी के साथ ये कि उसके जवाब में अब गजा पर भी हमला हुआ है, वहां पर भी लोग मारे जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, आपका स्वागत करते हैं हम। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस समय इजराइल और हमास और फिलिस्तीन के बीच लड़ाइयाँ चल रही हैं, जिस लड़ाई में इजराइल ने गाजा पट्टी को पूरी तरह से घेर लिया है, जिसमें 3,000 सैनिक भेजा है। इसे देख के हमास बिलबिला रहा है और बोल रहा है कि जी हम आपसे विराम के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें छोड़ दीजिए। इसमें बहुत से लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें 600 से ज़्यादा लोग इजराइल के मारे जा चुके हैं, और हमास के तो बहुत से सैनिक मारे जा चुके हैं। पाकिस्तानी मीडिया में बोल रहे हैं सब कि ये हमास बहुत बुरा कर रहा है, उसको तो छोड़ना नहीं चाहिए, और अमेरिका युद्धपोत देने के लिए तैयार है इजराइल को, इजराइल को दे देगा तो उसके बाद तो उनका जो होगा वही जानेंगे, और भारत भी एकदम पूरा सहयोग करने पर आतुर है कि हम जो मांगिए वो देंगे, ब्रह्मोस भी देने को तैयार है भारत। तो दोस्तों आइए देखते हैं और पाकिस्तानी मीडिया में क्या बातें होती हैं, मिलते हैं वीडियो के अंत में। जिस तरीके से अटैक हुआ फिलिस्तीन ने, जिस तरीके से अटैक हुआ इसराइल पे फिलिस्तीनियों ने या हमास ने किया, उससे बहुत सारी चीजें सिक्योरिटी लैब सामने देखती है, बहुत सारी चीजें सामने आती है। एक प्रॉब्लम ये भी सामने आती है कि मोसाद जैसी एजेंसी फेल हो गई, 5i Alliance जो कि इंडिया के पीछे लगा हुआ था कनाडा में, वो भी फेल हो गया, उसे भी नहीं पता चला इतना बड़ा उनका अलाय। एक अचानक इतने बड़े शॉक से, इतने बड़े सदमे से, इतने बड़े नुकसान से, और उन्होंने जो अपनी एक मिथ ढोंग रचाया हुआ था कि इसराइल जो है इनविंसिबल है, कोई उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब मैं ये बात ऐलान कर रहा हूँ। वी आर प्राउड ऑफ आवर मुस्लिम ब्रदर्स फिलिस्तीनियंस हु हैव गिवन ए रियल एक्चुअल अग्रेसिव मैसेज टू इसराइलीज एंड यहूदी कि भाई जो तुम हमारे बच्चे मार रहे हो, औरतों की बेहरमती कर रहे हो, जेलें तुम्हारी भर चुकी हैं, तुम्हारे हस्पताल हमारे जो हैं वो उनके अंदर जगह नहीं रही, साल साल से मुजारम कर रहे हो, अब तुम्हें अपनी दवाई पहली दवा 3 दिन से पी रहे हो, आज ना इसराइल की कोई पॉलिसी, ना कोई पोस्चर, ना कोई स्ट्रेटजी कि उन्होंने क्या, हम जो गजा को कारपेट बॉम्बिंग कर देंगे, और मैं अगर तुम जाओ जो करना है करते फिर आओ। आज जो फलस्तीनियों के साथ खड़ा नहीं होता, उन्हीं कूफियों की सफ में अपने आप को फिर देख लेना। आज हुसैनी किस तरफ खड़े हैं, मार खा रहे हैं, खून बह रहा है, उनको कहने वाला कोई, उनके लिए बात करने वाला कोई नहीं। और अब्दुल मान साहब, आप एक अरबी साहब ही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह
पाकिस्तान की 25 करोड़ आबादी आपके पीछे है, पाकिस्तान की हुकूमत लेड बाई अनवारुल्लाह काकर और हमारी मुसल्ला फौज और पूरा पाकिस्तान सफारती सतह पर, सियासी तौर पर, इखलाकी तौर पर वी आर विद यू, और जिधर जिधर आपको पाकिस्तानियों की जरूरत है हम आपके शाना बिशाना खड़े होंगे। हमास के जो रहनुमा है, अगर आप उनके पास मौजूद डॉलर्स देखें, अगर आप उनका लाइफस्टाइल देखें, अगर आप उनके बच्चों का लाइफस्टाइल देखें, तो आपको बड़ी मुमासलत मालूम होगी कि किस तरह से पाकिस्तान के जो मजहबी उलमा मदरसों में बच्चों को बेवकूफ बनाते हैं और अपने बच्चों को वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए भेजते हैं। हमें इसराइल और फलस्तीन और हमास के तरफ जाने से पहले एक बुनियादी चीज को समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान की जो रियासत है वो इसराइल को तस्लीम नहीं करती, और उसकी वजह ये है कि जनाब फलस्तीनियों के ऊपर इसराइल जो है उनकी दानिश्त में जुल्म कर रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम आरजू काजमी रियासत पाकिस्तान भारत को तस्लीम करती है, उसके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी रखती है, उसके साथ क्रिकेट वर्ल्ड कप भी खेलने जाती है, और बावजूद इसके कि उनकी दानिश्त में भारत कश्मीरियों के ऊपर जुल्म कर रहा है। यानी एक ही तराजू है, एक ही यार्डस्टिक है, एक ही पैमाना है। लेकिन तो बैरिस्टर साहब, क्या ये जंग एक बड़ी जंग की तरफ भी जा सकती है? देखें जी, ये जंग क्या शक्ल इख्तियार करती है ये अभी प्रिडिक्ट करना जो है वो कबल अज वक्त है, क्योंकि अभी चीजें जो है वो टेक ऑफ कर रही हैं, इसलिए उस पर तो कुछ कहने से ज्यादा ये जरूरी है कि ये जानना जरूरी है कि ये हो क्या रहा है और ये अचानक जो है ये हुआ क्या है, ताकि उससे फिर लोगों की समझ में बात आए कि आगे क्या हो सकता है। अब ये जो एक्ट हुआ है इस वक्त, ये जाहिर है डेफिनेटली अनप्रिडिक्टेबल तो है ही है। अनप्रिडिक्टेबल इसलिए है कि दुनिया में जिन लोगों ने कोई पैलेस्टाइन इसराइल इशू पे नज़र रखी हुई थी या रखी हुई है, या जो लोग वर्ल्ड पॉलिटिक्स को करीबी तरीके से देखते हैं, उनके कहीं वहम और गमान में भी नहीं था कि ऑल ऑफ सडन जो है वो इस तरह का एक ड्रास्टिक किस्म का एक्शन शुरू हो जाएगा हमास की तरफ से। लेकिन उसके दो मुख्तलिफ किस्म के इन्होंने नताइज बरामद किए हैं। इसके पीछे जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की जो इंस्टीट्यूशनल साइकोलॉजी है, या जिसको आप डीप रूटेड इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है, उसके पीछे कुरान मजीद की वो आयत है कि यहूद और नसारा तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। अब नसारा जो है वो क्रिश्चियंस हैं और यहूद जो है वो यहूदी हैं। पाकिस्तान में अगर आपने किसी को गाली देनी होती है तो आप उसे कहते हैं ओ यहूदी के बच्चे, बकवास बंद कर। इसका मतलब यह है कि यहूदियों को एक नफरत का इस्तेआरा बना दिया गया है, और निसरानी जो यानी जो नसारा हैं उनके साथ आपके हर तरह के रिलेशंस कायम हैं, तो ये आधी आयत पर अमल करने की कोशिश करते हैं। और अगर हम तारीखी पैमाने से देखें आरजू, तो जो इसराइल का इलाका है वो पिछले 3000 सालों से यहूदियों ने उसको आबाद कर रखा है, और उस सरजमीन के ऊपर सबसे पहला हक यहूदियों का है, जिनके बारे में ये मशहूर है कि गाजा में एक आदमी के साथ एक इंटेलिजेंस ऑफिसर तैनात है, और उसके अलावा जो जदीद टेक्नोलॉजी है लेटेस्ट, जिसमें ड्रोन से लेके तो सर्विलेंस के जो जदीद तरीन तरीके हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। किस मकसद के लिए? ये देखने के लिए कि वहाँ हो क्या रहा है, यानी 24 आवर उसको मॉनिटर किया जा रहा है कि कहाँ पे कोई ग्रुप ऑफ पीपल जमा हो रहा है, या जो लोग इस वक्त हमास को लीड कर रहे हैं वो कहाँ हैं, क्या उनकी एक्टिविटी है। तो इसी बुनियाद पे जाहिर है जो कार्रवाइयाँ होती हैं उनको रोका जाता है या उनको इंटरप्ट किया जाता है। ठीक है कि आपने वहां पर हमला किया, मुसलमानों ने जनाबे उम्र के दौर में वहां पर हमला किया, 705 ईस्वी में अब्दुल मालिक बिन मरवान ने वहां पर मस्जिद अक्सा भी तामीर करवाई, जिसको उन्होंने टाइम ट्रेवल के जरिए बाद में उसका सफर भी किया गया था। लेकिन बात यह है कि उस सरजमीन के ऊपर अगर मुसलमानों ने एग्जिस्ट करना है तो उन्हें इसराइल के साथ पीसफुल रिलेशंस बनाने होंगे। इसराइल का दिल इतना बड़ा है कि उसने अपनी आर्मी में मुसलमान फौजियों को भर्ती कर रखा है। आपके आधे से ज्यादा फलस्तीनी जो है रोज बॉर्डर क्रॉस करके इसराइल के अंदर दाखिल होते हैं, जॉब्स करते हैं, रोजगार
कमाते हैं, और ये जो हमास है ये मासूम लोगों की शील्ड को इस्तेमाल करती है। दोस्तों 3 दिन हो चुका है और युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लग रहा है कि महंगाई की मार झेलनी पड़ेगी फिर से, जैसे अभी तक यूक्रेन और रूस में चल रहा है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।